हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मोनोस्पोरिक प्रकार के जो एम्ब्रियोसेक थे उनको कंप्लीट कर लिया था, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइस्पोरिक टाइप के जो एम्ब्रियोसेक हैं या फीमेल गैमेटोफाइट हैं उनको आज अपने करेंगे। तो बच्चों, बाइस्पोरिक टाइप के जो एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, मैंने आपको याद हो प्रीवियस क्लास में, तो मोनो का मतलब क्या था, मोनोस्पोरिक में मोनो का मतलब क्या था, सिंगल, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में जब सिंगल मेगास्पोर हिस्सा लें तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। इसी तरह जो बाइस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट है, बाई का मतलब यहाँ क्या है, दो, बाई और डाई एक ही बात है। बाई का यहाँ पर क्या मतलब है, दो। स्पोरिक का मतलब क्या है, स्पोर, मेगास्पोर। इस प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट में या जब फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में दो मेगास्पोर हिस्सा लेवें, दो मेगास्पोर भाग लेवें, तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाता है, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। बच्चों, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने वाले जो मेगास्पोर हैं उनकी संख्या दो होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। बच्चों, इसकी आगे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो बाइस्पोरिक जो फीमेल गैमेटोफाइट है वे दो प्रकार के हैं, फर्स्ट इज एलियम टाइप, सेकंड इज एंडिमियोन टाइप। मैंने यहां पर दोनों को ही लिख दिया है, ठीक है, अपने एक का डेवलपमेंट करेंगे और दूसरे का ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बाइस्पोरिक जो फीमेल गैमेटोफाइट हैं वे दो प्रकार के हैं, एलियम टाइप, फर्स्ट एलियम टाइप, सेकंड इज एंडिमियन टाइप। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एलियम टाइप के जो फीमेल गैमेटोफाइट हैं, एम्ब्रियोसेक हैं, उनको अपने स्टडी करेंगे। तो एलियम टाइप के जो फीमेल गैमेटोफाइट हैं या एम्ब्रियोसेक हैं, सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर जो साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट स्ट्रॉसबर्गर, 1879 के अंदर सबसे पहले जो एलियम फिस्टुलोसम जो प्लांट था उसके अंदर एलियम टाइप के जो एम्ब्रियोसेक है उसको सबसे पहले स्टडी किया, ठीक है। अब बच्चों, इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इसका जो परिवर्धन कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अगर इसका अपने डेवलपमेंट देखें तो जो मेगास्पोर बनते हैं वे कहाँ से बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ऑलरेडी कैसी होती हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं, द्विगुंड सेल्स हैं। जब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, तो मैंने आपको बताया था, जब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो एक मेगास्पोर मदर सेल से चार मेगास्पोर्स बनते हैं, और चारों ही मेगास्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, आगुणित होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर देखो, चारों मेगास्पोर्स में से सिर्फ दो ही जो मेगास्पोर हैं वे आगे भाग लेते हैं, और बाकी बचे दो मेगास्पोर्स यहाँ पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, अपभाजित हो जाते हैं। और ये जो दोनों जो मेगास्पोर हैं इनको अपने क्या बोलते हैं, दोनों जो मेगास्पोर हैं, ठीक है, यानी दोनों न्यूक्लियस के बीच में किसी प्रकार की भी वॉल नहीं होती, तो दोनों जो मेगास्पोर हैं ये क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं डाइड सेल। इनको क्या बोलते हैं, डाइड, डाइड का मतलब क्या है, द्वि, दो, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे फंक्शनल डाइड। अब बच्चों, फंक्शनल डाइड कौन सा होगा, जैसे मेगास्पोर मोनोस्पोरिक में एक फंक्शनल मेगास्पोर था और यहाँ पर दो मेगास्पोर फंक्शनल होंगे, लेकिन दो मेगास्पोर यानी डाइड जो है वो कौन से ध्रुव वाला होगा, तो इसके दो ध्रुव मैंने आपको बताए थे, कैलाजल पोल, सेकंड इज माइक्रोपाइलर पोल। दो ध्रुव हैं, कैलाजल पोल और दूसरा जो है वो है माइक्रोपाइलर पोल। तो बच्चों, जब अपने एलियम टाइप की स्टडी करते हैं तो
इसमें कैलाजल पोल की तरफ जो डाइड है, जो दो मेगास्पोर हैं, वे फंक्शनल होते हैं, और इसके अपोजिट जो पोल हैं, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ दो जो डाइड हैं या दो मेगास्पोर हैं, वे धीरे धीरे डीजर्नेट हो जाते हैं, अपहवासित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कैलाजल पोल साइड वाला जो फंक्शनल डाइड है, उसमें फर्दर फर्स्ट एंड सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और रिजल्टिंग इन रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, जब दो फर्स्ट एंड सेकंड माइटोटिक समसूत्री विभाजन होगा डाइड के अंदर, तो चार न्यूक्लियस बनेंगे। ये देखो, चार न्यूक्लियस बनेंगे, और चार न्यूक्लियस किस तरफ बनेंगे, कैलाजल पोल की तरफ, और चार न्यूक्लियस किस तरफ बनेंगे, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ। ठीक है, तो चार चार के दो ग्रुप यहां पर बन जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, दोनों पोल में जो चारों न्यूक्लियस हैं, चारों जो न्यूक्लियाई हैं, उनमें एक एक न्यूक्लियाई लगभग सेंटर में आकर अरेंज हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, ये जो चारों हैं कैलाजल पोल की तरफ, इनमें से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूवमेंट करेगा। इसी प्रकार माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जो चारों न्यूक्लियस हैं, चारों में से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो दोनों न्यूक्लियस लगभग सेंटर में ये क्या है, अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आकर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक सेल या कोशिका का रूप धारण कर लेते हैं। अब अपने ए मैच्योर एम्ब्रियोसिक और फीमेल गैमेटोफाइट की अगर स्ट्रक्चर देखें, तो बच्चों इसमें क्या है, जो कैलाजल पोल की तरफ जो तीन न्यूक्लियस हैं कन्वर्टेड इनटू एंटीपोडल सेल्स, थ्री एंटीपोडल सेल्स। ये देखो, जो तीन न्यूक्लियस बचे, तीन न्यूक्लियस, ये तीनों ही किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एंटीपोडल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स की संख्या कितनी है, तीन। ठीक है, और इसका दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ देखो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जो तीन न्यूक्लियस बचे हैं, तीन अलग अलग सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लगभग बीच में जो लार्ज इन साइज बड़े आकार की जो सेल्स हैं, आल्सो कॉल्ड इज एग सेल, और एग सेल के दोनों तरफ जो सिमिलर साइज सेम साइज की जो सेल्स हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सिनर्जिड सेल्स। एग सेल्स एंड सिनर्जिड सेल्स आल्सो कॉल्ड इज एग एपरेटस, इनको सम्मिलित रूप से अपने क्या बोलते हैं, एग एपरेटस एंड उपकरण। और लगभग मध्य में उपस्थित जो सेल्स हैं, जो न्यूक्लियस हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, मदर सेल ऑफ, मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं अपने, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, कि ये दोनों ही न्यूक्लियस अपने अपने पोल की तरफ से यहाँ आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, या इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म क्यों बोलते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या काम करता है, एंडोस्पर्म बनाने का काम करता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। इसलिए सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई आल्सो कॉल्ड इज मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म। बच्चों ये था डेवलपमेंट ऑफ एलियम टाइप फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसिक। तो ये तो डेवलपमेंट था सिर्फ एलियम टाइप का, और बाइस्पोरी के अंदर जो दूसरा जो एंडोमियन टाइप है बच्चों, छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस इसमें क्या है, चलो मैं बता देता हूँ। इसमें आप न्यूक्लियस की संख्या काउंट कीजिए, फीमेल गैमेटोफाइट एलियम टाइप का जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें न्यूक्लियस की संख्या काउंट कीजिए, न्यूक्लियस यहाँ पर कितने हैं, 3 + 2 + 3, टोटल कितने हैं, 8। तो एलियम टाइप का जो फीमेल गैमेटोफाइट है, केंद्रकों की संख्या कितनी है, 8 न्यूक्लियेट। ठीक है, और एलियम टाइप क्यों है, एलियम टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल डाइड है वो कैलाजल पोल वाला होता है। और बाइस्पोरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार के डेवलपमेंट में भाग लेने वाले जो मेगास्पोर हैं उनकी संख्या 2 होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइस्पोरिक। ठीक है बच्चों, बाइस्पोरिक की ही दूसरी जो टाइप है वो है एंडोमियन टाइप। एंडोमियन टाइप को सबसे पहले बेटाग्लिया 1958 ने एंडोमियन हिस्पेनिकस के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है बच्चों, एलियम और एंडोमियन
दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है। दोनों में आपने ध्यान कहाँ रखना है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एलियम के अंदर देखो जो फंक्शनल डाइट था वो कैलाजल पोल वाला था, लेकिन एंडोमियन में क्या होगा, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, जो फंक्शनल डाइट होगा वो माइक्रोपाइलर पोल वाला होगा, और इसके अपोजिट जो कैलाजल पोल की तरफ जो दोनों मेगास्पोर हैं या डाइड हैं वे धीरे धीरे डिजर्नेट हो जाएंगे, अपवासित हो जाएंगे, और जो फंक्शनल होगा वो माइक्रोपाइलर। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बाइस्पोरिक के अंदर एलियम और एंडोमियन दो टाइप हैं। एलियम टाइप में आप देखो जो फंक्शनल डाइड है वो कैलाजल पोल वाला होगा, जबकि एंडोमियन के अंदर जो फंक्शनल डाइड है वो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ होगा, और बाकी इसके अलावा डायग्राम में कुछ भी चेंज आपने नहीं करना, वही होगा 8 न्यूक्लिएटेड, केंद्रकों की संख्या 8 होगी, एलियम की जगह पर क्या आ जाएगा एंडोमियन, और ये क्या है बाइस्पोरिक।